नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नेत्रे अम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैत्र नवरात्रि की समस्त देशवासियों को समय जगत समूह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। विदिशा में अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। थाना कोतवाली क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को BSNL ऑफिस बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से दो देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आरोपी अनिल मटोरिया गुलगव सांची जिला रायसेन का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि हथियार अक्रम उर्फ आकाश निवासी रंगियापुरा के द्वारा बेचने के लिए देना था, मोटरसाइकिल जिला अस्पताल से चोरी करना बताया है। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 187/18 धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा द्वारा जिले भर में अवैध हथियारों एवं असामाजिक तत्व धरपकड़ के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक भारत भूषण शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में थाना कोतवाली निरीक्षक RN शर्मा की टीम द्वारा कार्यवाही की गई। कोतवाली के द्वारा चेकिंग बस स्टैंड पर की गई, जिसमें हमारे थाना प्रभारी श्री RN शर्मा, SI गौतम, SI वंदना मिश्रा और रामबाबू, SI गोस्वामी जी, आरक्षक कुलदीप, आरक्षक कमल आदि पूरी टीम बनाकर भेजा गया था, जिन्होंने चेकिंग के दौरान एक अनिल निवासी गुलगांव थाना सांची को पुलिस हिरासत में लिया, जिसके पास एक मोटरसाइकिल, वो भी संभवतः गत वर्ष 2018 की, एक अपराध में संलग्न पाया गया है जो चोरी की थी। धारा 379 का अपराध पंजीबद्ध है कोतवाली में। वो मोटरसाइकिल, उस पर फर्जी नंबर डालकर ये अनिल नामक व्यक्ति गुलगांव सांची का हिरासत में लिया गया, और जिससे दूसरे व्यक्ति अक्रम का भी पर्दाफाश हुआ, जिसके तहत चार अवैध हथियार, एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस आदि पत्र में कब्जे में लिए गए, जिनको धारा 25-27 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध किया गया है और गिरफ्तार किया गया है। अन्य अपराध चोरी की मोटरसाइकिल का भी अनुसंधान किया जा रहा है, और अन्य मोटरसाइकिलें भी मिलने की संभावना है, और भी अवैध अग्नि शस्त्र के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। खबर समय जगत के लिए विदिशा से राहुल चड़ार के साथ पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।